नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको वास्तु के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो भूल करके भी घर में नहीं लगाने चाहिए, जिनके लगाने से कई तरह के इफेक्ट आपको अपनी लाइफ पर, परिवार पर और जीवन पर दिखाई देंगे, यानी कि दुष्प्रभाव दिखाई देंगे। तो कौन कौन से हैं वो पौधे, इनके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष और एडिशनल जानकारियां। तो आज ज्योतिष से रिलेटेड यानी कि वास्तु के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो कौन कौन से हैं वो पौधे जो घर में कभी भी भूल करके नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, दो प्रकार के ऐसे मुख्य पौधे होते हैं, बाकी के भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन दो प्रकार के पहले ऐसे पौधे जान लीजिए जो कभी नहीं लगाने चाहिए। एक तो वो जो कांटेदार पौधे होते हैं, वो घर में कभी नहीं लगाने चाहिए। दूसरा, वो पौधे जो फलदार तो हैं लेकिन एक ही बार अपने जीवन में वो पौधे एक ही बार फल देते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के पौधे कभी भी घर में नहीं लगाने चाहिए, चाहे वो कोई भी कांटेदार वृक्ष हो, पौधा हो, कोई भी फलदार वृक्ष हो। तो दोस्तों, अब आगे जानते हैं। जैसे कि लोग लगाते हैं घर में कैक्टस का पौधा, बहुत सारे घरों में होता है, लेकिन कैक्टस का पौधा घर में लगाना अशुभ होता है। कैक्टस की जो भी प्रजातियां हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो फूल देने वाली हो, चाहे वो कितनी भी लुभावनी हो, लेकिन कैक्टस कांटे वाला वृक्ष होता है और कैक्टस होता ही बुरा है। तो घर में कैक्टस लगाने से घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव एनर्जी फ्लो करती है, जिसके कारण घर परिवार और सभी जो है नेगेटिव सोच वाले होते हैं और कला कलेश का भी माहौल बना रहता है। दूसरा दोस्तों, पीपल का वृक्ष भी कभी घर में नहीं लगाना चाहिए, पीपल का पौधा। और वास्तुशास्त्र तो यहां तक कहता है कि पीपल के वृक्ष की छाया आपके घर तक भी नहीं पड़नी चाहिए, घर पर नहीं पड़नी चाहिए, इससे दुष्परिणाम स्वरूप घर में बीमारियां फैलती हैं और घर में बरकत नहीं रहती, देव दोष हो जाता है, देवताओं का दोष होता है। तो इसलिए पीपल का वृक्ष या पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, मेहंदी का पौधा भी घर में नहीं लगाना चाहिए। मेहंदी का पौधा जो है अपनी तरफ जो नेगेटिव एनर्जी होती है, या यूं कहें भूत प्रेत छल, इन सबको आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है आपके घर की तरफ, यदि वो पौधा घर में लगा होता तो। उनके प्रभाव से आप जानते हैं कई तरह की परेशानियां और नेगेटिव एनर्जी फ्लो पूरी तरीके से करती है घर पर। बोनसाई प्लांट्स या बोने वृक्ष, ये जो पौधे होते हैं, जो बोने पौधे होते हैं, ये घर में नहीं लगाने चाहिए। बोनसाई वृक्ष भी घर में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये घर की प्रगति को रोक देते हैं। अब वो किसी भी प्रकार की प्रगति हो, चाहे आप उस प्रॉपर्टी से और प्रॉपर्टी लेना चाहें, या फिर अपने बच्चों को आप कहाँ पहुंचाना चाहते हो, पढ़ाना लिखाना चाहते हो, किसी तरह की भी जो प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है, वो उनको रोक देते हैं। इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए घर में, इसलिए क्योंकि इमली के पौधे के ऊपर या इमली के पौधे पर बुरी आत्माएं या भूत प्रेतों का वास होता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान दीजिए, मृत पौधे जो मर गए हों, सूख गए हों, चाहे वो फ्लावर हो या किसी तरह का कोई पौधा हो या वृक्ष हो जो आपके आंगन में या घर में हो या गमले में हो, तो मृत हो, मुरझाया हुआ हो,
या फिर सूख गया हो, इस तरह के जो पौधे हैं, या फिर एक सीजन जो चलते हैं और उसके बाद सीजन खत्म हो गया, उसके बाद दूसरे सीजन नहीं चलते और वो पड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से ये पौधे जो हैं घर में नहीं रखने चाहिए। इनको रखने से ये भाग्य घर वालों के भाग्य में, भाग्य की प्रगति को रोक देते हैं, भाग्य में रुकावट बनते हैं, काम काज पूरे नहीं होते, अधूरे रह जाते हैं। कपास का पौधा भी घर में नहीं लगाना चाहिए, जो कि बहुत अशुभ माना गया है। दोस्तों, फलदार वृक्ष कोई भी हो और यदि वो कांटे वाला है तो नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि बेर या बबूल का वृक्ष, ये नहीं, इसके पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। या कई बार नारंगी या संतरे का वृक्ष भी घर में या घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। मिर्ची का पौधा भी घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये कला और कलेश को देने वाला या कला कलेश की जड़ है, क्योंकि घर में अक्सर ऐसे लोगों के बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे सारे जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, जो आपको नहीं लगाने चाहिए कभी भी घर में, और यदि आप नहीं लगाएंगे तो आपका घर स्वच्छ, सुंदर और गुड और पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करेगा। तो दोस्तों, यदि आपके मन में कोई और वास्तु को लेकर के कोई प्रश्न है तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप चाहें तो कुंडली के लिए या फिर ग्रह वास्तु के एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए या विजिट के लिए आप हमसे इन नंबर्स पर बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के। जय श्री कृष्णा।